प्रेमी के साथ भागी प्रेमिका का पुलिस चौकी के प्रभारी ने किया बलात्कार, केस रफा दफा करने में लगी पुलिस। सीकर जिले में पुलिस की बेहद घिनौनी करतूत सामने आई है। आरोप है कि यहां के एक चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल प्रेमी के साथ घर से भागी दलित युवती से पहले उसे वापस लाते समय छेड़छाड़ करता रहा, बाद में बयान लेने के बहाने पुलिस चौकी पहुंचकर अल सुबह उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद युवती को धमकाकर युवक के साथ भेज दिया गया। मामला 29 अगस्त का बताया जा रहा है, जब धोंद थाना इलाके के सिंगरावट चौकी में इस दर्दनाक और शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया गया। आरोप है कि पीड़िता अपने प्रेमी के साथ जब दूसरे दिन धोंद थाने पहुंची तो थाने में ले देकर मामले को पर्दा डालने का प्रयास किया गया। आखिरकार पीड़िता ने अपने प्रेमी के साथ पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद पेश किया तो अधिकारी सख्ते में आ गए। हेड कांस्टेबल को चौकी से हटाने के साथ मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजेश आर्य को सौंपी गई है। ये है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार सीकर की युवती 12 अगस्त को घर से लापता हुई थी। इस पर परिजनों ने पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच में पता चला कि युवती अपने प्रेमी के साथ श्री गंगानगर जिले में चली गई है। सिंह रावत चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल सुभाष कुमार युवती व उसके प्रेमी को गाड़ी में आगे की सीट पर बैठाकर लेकर आया। समय पीछे युवती के पास बैठ गया, जहां पूरे रास्ते में वह युवती से छेड़छाड़ करता रहा। जब युवती ने इसका विरोध किया तो गाड़ी में उसकी पिटाई कर दी। 29 अगस्त को युवती व उसके प्रेमी को गाड़ी में आगे की सीट पर बैठाकर लेकर आया। समय पीछे युवती के पास बैठ गया, जहां पूरे रास्ते में वह युवती से छेड़छाड़ करता रहा। जब युवती ने इसका विरोध किया तो गाड़ी में उसकी पिटाई कर दी। 29 अगस्त को तड़के करीब 4:30 बजे सभी लोग चौकी पहुंचे। आरोप है कि सुभाष ने प्रेमी को बाहर भेज दिया और स्वयं ने बयान लेने के बहाने युवती को अंदर रखा। इसके बाद चौकी पर ही युवती के साथ बलात्कार किया गया और डरा धमका कर युवक के साथ भेज दिया गया। जब उसने घटना की जानकारी प्रेमी व अन्य लोगों को दी तो वे शिकायत करने धोंद थाना पहुंच गए, जहां उन्हें ले देकर मामला निपटाने की बात कही गई। इसके बाद युवती ने प्रेमी के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर सारी आपबीती बताई, जिसके बाद एसपी ने पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजेश आर्य को जांच सौंपी है। देखिए, ये मुकदमा जो है कल शाम को दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के साथ ही हेड कांस्टेबल को लाइन रवाना कर दिया गया था, ताकि किसी तरह से उसका कोई इन्फ्लुएंस उस क्षेत्र में नहीं रह जाए। मुकदमे के संदर्भ में जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। पूरी जांच है, निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। अभी प्राथमिक रूप से जो तथ्य एकत्र हुए हैं, उन तथ्यों के आधार पर जो FIR है उसके फैक्ट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। प्राथमिक रूप से अभी ऐसी कोई भी जो घटना घटित होने की बात FIR में कही गई है वो अभी स्पष्ट नहीं होती है, किंतु फिर भी हर पहलू की गंभीरता से जाँच की जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।